कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग समाज ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरने पर बैठे दिव्यांग फूलाराम ने राज्य मंत्री कृष्ण बेदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री बेदी ने हमारी समस्याओं को अनदेखा किया है। फूलाराम ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए आगे आपको दिखाते हैं दिव्यांग समाज के प्रतिनिधि फूलाराम ने क्या कहा। ये 18 मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम कमर कस चुके हैं। जो जहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे उनके विरोध में हमारा एक दिव्यांग उम्मीदवार खड़ा होगा और हमने घोषित कर दिया है श्री फूलाराम जी को। अगर वो शाहबाद से करें कुछ देखने को मिल भी रहा है कि आप गांव में जाकर जो भी कलांग आपने उतारा है अपना चुनाव में तो आप गांव गांव में जाकर उनके लिए सपोर्ट भी कर रहे हो। हमने अपना अभियान आंदोलन शुरू कर दिया है। हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, दिव्यांग समाज को उसका हक नहीं मिला है। हम अपनी बात जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच रख रहे हैं और श्री फूलाराम जी का प्रचार हमने शुरू कर दिया है। ये हमने तब किया है कि हम कृष्ण बेदी जी से मिले थे उनके आवास स्थान पे, वहाँ पे भी उन्होंने उचित हमें जो है कोई भी उचित जवाब नहीं दिया। वो बोले कि मुझे पता ही नहीं है कि ऑफिस में मैं गया ही नहीं इलेक्शन के बाद, तो इसका मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हमारी बातों पर। तो हम इसलिए फिर हमने ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच चले गए। जब कोई मंत्री सरकार न सुने तो हमारे पास जनता ही बचती है और हम अपने समाज की बात जनता के बीच लेके जा रहे हैं। जी सर, क्या बताएंगे जो आपने एक दिन का अभ्यास रखा है, क्या खास हुआ, क्या आपके साथ आपने विश्वास रखना और विधानसभा सभा से तैयारी भी की? सर, हम दिव्यांग समाज के उपलक्ष्य में ये एक दिन का उपवास रखे हैं तो हमने काफ़ी संघर्ष किया है। आज से 2, 3, 4, 5 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की। इसके चलते पूरे हरियाणा के दिव्यांग समाज ने ये निर्णय लिया है कि अगर हरियाणा सरकार हमारी मांगों को, हमारे एक्ट को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं करती है तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरा हरियाणा के दिव्यांग समाज हमारे साथ कंधे से। एक साल पहले आपने राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का जन्मदिन पर उठाए गए थे, तब क्या आपकी मांग अधूरी रहेगी? हाँ जी सर, उन्होंने केवल आश्वासन दिया अब तक और हमसे जो है गया बदतमीजी से बातचीत करता है, इसकी वजह से हम उनके खिलाफ़ हैं और उनको हम ये चैलेंज करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों को, एक्ट को लागू नहीं किया गया तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब आने वाले इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में उनको देंगे। अर्थ प्रकाश के लिए शाहबाद मारकंडा से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।